आरोप है तो प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन ये राजनीति में होता है। किसी भी व्यापारिक संगठन में या सामाजिक संगठन में ये स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सराफा में बहुत सारी विसंगतियाँ थी या बहुत सारी कमियाँ थी जिसको उजागर किया। कमल सोनी जी हमारे साथ में है। कमल भैया, आपने साहस किया जैसा मुझे लगता है और बहुत सारी बातें भी हुई, क्या कुछ कहोगे अपनी तरफ से आप? जय छत्तीसगढ़, जय जौहर। और सबसे पहले सभी सराफा व्यवसायी भाइयों को, आदरणीय सारे संरक्षकजनों, वरिष्ठजनों को सादर नमन और प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये साहस, इसको साहस ना बोल के हम दूसरा ये बोले कि सेवा का मादा। पिछले 1.5 साल पहले मैं संयोग वश बिलासपुर सराफा का अध्यक्ष बना। बिलासपुर सराफा का अध्यक्ष बन के और उनकी जब सेवा करने का मुझे मौका मिला तो बारीकी से विसंगतियों के व्यापार में मुझे जो व्यापार में विसंगतियाँ हुई उसका मुझे जानकारी हुई। वो जानकारी धीरे धीरे शने शने आसपास के क्षेत्रों में भी मुझे सेवा करने का मौका मिला। जब जाके मुझे ये मन में भाव आया कि जीवन जब सुनार घर में जन्म लिए हैं और सुनार और सराफा से हम जुड़े हुए हैं तो जीवन में अगर सेवा का भाव है तो सबसे पहले वो धर्म निभाना चाहिए जिस परिवार में, जिस समाज में जन्म लिए हैं कि उसकी सेवा हम कर सकें। और सराफा बोल लो, सुनार बोल लो, बहुत बड़ी विसंगति के दौर से गुजर रहा है। हमारे यहाँ सुनार कारीगरी लगभग से लुप्त होते जा रही है। इसका कारण बहुत से आधुनिकता और बाहर से माल आना, लोकल कारीगरों को, लोकल सुनारों को ना पूछा जाना, ये सब चीज़ें थी। और बड़े दुकानदार, आप ये मान लो पूरे छत्तीसगढ़ में मान लो जैसे 100 दुकान है तो 10 सक्षम बोल लो, अति सक्षम बोल लो, 20 मध्यम बोल लो, बाकी 50-60% ऐसे दुकानदार होते हैं जो एक जो सामाजिक संगठन होता है उनकी ओर अपेक्षा की नज़र से देखता है और अपने आप को कहीं प्रताड़ित महसूस करता है तो वो भाव प्रकट करता है कि मेरी कोई मदद होगी, तो वो जो मदद होगी वो निश्चित संगठन देता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये देखा गया है कि हम बिलासपुर में तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोई रायपुर में अपनी दे रहा है, कोई वहाँ दे रहा है, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ का जहाँ मामला आता है, जो छोटे छोटे गांव है, कस्बा है, जहाँ एसोसिएशन नहीं है, जहाँ सुनार और सराफा प्रताड़ित महसूस करते हैं, बहुत से कामों में अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, जब उनकी सेवा की बारी आती है तो हम सब पीछे हट जाते हैं। तो जब सराफा, छत्तीसगढ़ सराफा की चुनाव की बात हुई तो छत्तीसगढ़ सराफा में मेरा उठना बैठना, बातचीत हुई तो यहाँ बहुत सी ये चीज़ें अछूती पाई गई। तो इस अछूती चीज़ों का नीतिगत अब वो साहस बोल लो या विरोध बोल लो, विरोध तो व्यापारियों में होता नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी नीतियों का विरोध हुआ और विरोध होने पे एक चुनाव का समय भी आ गया, संयोगवश चुनाव का संयोग आ गया तो सेवा करना है तो नेतृत्व की भावना भी आनी चाहिए। तो इस हेतु मैंने ये प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ कहीं भी कोई भी यह ना समझे कि मैं पदलोलुपता में यहाँ पर आया हूँ, मैं निश्चय पूरे सराफा और छत्तीसगढ़ के सराफा व्यवसायियों को सहयोग करने और सेवा करने के लिए आया हूँ। आपका कहना यह है कि आप जो विसंगतियाँ हैं या जो समस्याएँ हैं और ख़ास तौर से छोटे सराफा व्यापारियों की जो समस्याएं हैं जिसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, वो सुनवाई को दूर करेंगे। और अभी तो 23 तारीख के चुनाव डिक्लेयर हो गया, 4-5-6 तारीख के नामांकन शुरू हो जाएगा, तो आप मजबूती के साथ में खड़े होंगे। जी, पिछले 6 महीने में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। चुनावों का देरी होने से एक अप्रत्यक्ष लाभ मुझे मिला कि मैं सभी सराफा व्यवसायियों से और जितने भी मतदाता भाई थे उनसे भी मिलने का मौका मिला, अलग अलग एसोसिएशन से बैठने का मौका मिला। तो इसको मैं एक अप्रत्यक्ष, जो चुनाव में देरी हुई, अप्रत्यक्ष अपने प्रति एक पॉजिटिव मानता हूँ कि मुझे इस बीच में सबसे मिलने का मौका मिल गया है। और बाकी दावेदारी की जो बात है उन्हीं के बीच में से आया हूँ, उन्हीं के बोलने से आया हूँ, उन्हीं के सहयोग से आया हूँ और उन्हीं के सहयोग से काम करूँगा। चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, मजबूती के साथ। बिल्कुल। मुद्दे क्या रहेंगे? यही कि मुद्दे दूर करना है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। विसंगतियां हम बोल रहे कि राज्य शासन, जो भी सरकार रहती है, निश्चित कोई ना कोई संगठन, व्यापार प्रकोष्ठ और इनका सहयोग करने के लिए तत्पर दोनों हाथ से, खुले हाथ से तैयार रहती है। लेने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। आज जहां हम खड़े हैं, व्यापार को सुरक्षित और बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए व्यापारिक होलसेल कॉरिडोर, इसकी एक मांग बहुत शुरू से की गई है, लेकिन नेतृत्व में कमी होने के कारण वो पूरी नहीं हो पाई। हमने शासन से, बाकी सहयोगियों, सराफा एसोसिएशन के साथ शासन से इस बीच में 2-4 बार मुलाकात हुई। उन्होंने निश्चय आश्वासन दिया है कि एक नहीं कमल, 2 सराफा होलसेल कॉरिडोर का निर्माण हम छत्तीसगढ़ में करेंगे। तीसरी चीज, आज इतने साल हो गए, रायपुर में लगभग 500 व्यापारी रोज आते हैं,
माल खरीदने बेचने, उनकी रहने रुकने खाने पीने उठने बैठने सुरक्षा की दृष्टि से उनको कोई सहयोग नहीं किया जाता, वो सिर्फ व्यापार करते हैं, उनसे व्यापार किया जाता है। आज हम एक सराफा भवन बनाए जो वर्षों से एक जो हमारे मार्गदर्शक मंडल या जो ये न्यू रखे थे सराफा एसोसिएशन के माननीय शिवराज भंसाली जी हो गए, माननीय सीनियर आज के राजेंद्र शर्मा जी हो गए, उस समय के आपके धर्म भंसाली जी हो गए, प्रकाश गोलछा जी हो गए, मदन जैन जी हो गए, मदन अग्रवाल जी हो गए, इन्होंने बहुत सोच समझ के छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की जो न्यू रखी उसके सपनों की पूर्ति करने हेतु एक सराफा भवन का निर्माण और दो कॉरिडोर, ये मेरे मुख्य विषय रहेंगे। इससे आधी समस्याएं तो अपने आप में दूर हो जाएगी और शासन को हम विश्वास दिलाएंगे कि हम व्यापारी हैं, कहीं पे भी जैसे चोरी का माल होता है निश्चय कोई जान करके नहीं खरीदता है, प्रशासन मदद करता है, लेकिन प्रशासन तक ये बात पहुँचे कि व्यापारी है, इससे व्यापारी जैसा ट्रीट किया जाए, एक मौका दिया जाए इसको, ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे निश्चय प्रशासन और पूरा सहयोग करता है, उसलिए हम तटस्थ रहेंगे और सबकी मदद करने के तैयार रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप जो जिस मुद्दों को लेकर चल रहे हैं वो मुद्दे निश्चित रूप से बहुत सामयिक भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। अब क्या कुछ होता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। कमल भाई आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय व्यापार।